और अब जैसा कि आज खाद्य महोत्सव कार्यक्रम की थीम है नारी शक्ति, तो उस थीम को चरितार्थ करने के लिए तो मंच पर पधार रही है कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं, जो जिनको है बेटियां पर प्रस्तुति देंगे हाथरस महोत्सव की थीम के रूप में नारी शक्ति, जो नारी शक्ति नारी सम्मान एवं भक्ति नारी थीम के रूप में नारी शक्ति नई दिशा हमारे दान करिए नारी सम्मान ये एवं भक्ति नारी आई के रूप में नारी शक्ति नई दिशा हमारे दान करिए नारी सम्मान ये एवं भक्ति नारी आई के बेटी कबूल बेटी तुलसी आ
जिसमें विभिन्न विभाग अपने जो भी उनकी मूल योजनाएं चल रही हैं और जो भी शासन के निरंतर नवीनतम निर्देश आ रहे हैं उसके क्रम में उस थीम पर आधारित और उसे नारी शक्ति से कहीं ना कहीं जोड़ते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अपना सहयोग देंगे। तो मैं बस ये आशा करती हूँ कि ये 5 दिन का प्रोग्राम जो है इसे हम सब रोन करेंगे, प्रथम बार हो रहा है और शायद भविष्य में ये और अच्छी तरह से कराया जा सकेगा। तो ये मात्र एक शासकीय कार्यक्रम नहीं है, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी निर्देश प्राप्त होते हैं, उनकी एडवाइस उनका हमने यहाँ पर पूरी तरह से इंकॉर्पोरेशन किया है। तो निश्चित रूप से हम आगे भी जो अगले 5 दिन के प्रोग्राम हैं उनको थीम बेस करते हुए आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे। जो हाथरस की जनता है उससे मेरा अनुरोध है कि वो जरूर इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट के साथ एक नॉलेज शेयरिंग का भी एक प्लेटफॉर्म है। तो इस पर आप आए, यहाँ पर आपको हर तरह का जो एक एंटरटेनमेंट है वो भी मिलेगा, साथ में आपको आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो जरूर आए, मीडिया कर्मी यहाँ उपस्थित है, उनके माध्यम से मैं ये चाहूँगी कि इस महोत्सव को अधिक से अधिक जो है वो पब्लिसाइज करें, इसकी ब्रांडिंग करें, जिससे कि लोग इसका आनंद उठा सकें। और इसी क्रम में मैं बस आप सभी को एक बार फिर से यहाँ पर आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब निरंतर आते रहें इस 5 दिन के कार्यक्रम में। सुबह से शाम तक बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो प्लीज़ आएँ और हमारी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम आपके मार्गदर्शन में 5 दिवसीय हाथरस महोत्सव का सफल से भी सफल आयोजन होगा आपके मार्गदर्शन में। और अभी आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में धीरेन्द्र पांडे एवं साथी कलाकार ग्रुप लखनऊ के माध्यम से कथक प्रस्तुति की जाएगी। अगले कार्यक्रम के रूप में कथक नृत्य गणेश वंदना के रूप में प्रस्तुति श्री जितेंद्र एवं अवंतिका जी के द्वारा दी जाएगी। तो अधिक समय न गवाते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें कथक टीम का जो आज ब्रज की देवी हाथरस में महोत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर सादर आमंत्रित है। जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कम थी, एक बार जोरदार तालियां कथक के लिए प्लीज। Thank you.
Thank you.
मेरे पर राम आए हैं, वीरेंद्र पांडे भैया हमने जी भर के
Thank you.
राजस्थानी लोग ने घूमर की जोरदार तालियां, इन बच्चों की बहुत ही जोरदार प्रस्तुति थी। और अभी जो कलाकार आ रहे हैं जितेंद्र जी, कबीर दास जी की ऐसी वाणी बोलिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्लीज। मन मरी ना, मन मरा
होने के ऊपर बहुत ही शानदार प्रस्तुति, तो एक बार जोरदार तालियों से गांधी जी के कलाकारों को। और अब हाथरस महोत्सव 2023 को मुख्य रंग प्रदान किए जाने हेतु तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कुछ स्कूली छात्राओं द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। साथ ही आप सभी अवगत हैं 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिंगानुपात को बढ़ाने के लिंगानुपात कम करने के बेटियों की संख्या को बढ़ाने के तो पानीपत से झज्जर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का आरंभ शुभारंभ किया था। इसी क्रम में बेटी बचाओ के बैनर तले जनपद हाथरस में स्कूलों में कॉलेजों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को गति प्रदान करते हुए एक बल प्रदान करते हुए कन्या गुरुकुल की छात्राओं द्वारा शानदार योगा प्रस्तुतिकरण आज इस मंच पर किया जाएगा। कन्या गुरुकुल की छात्राएं कृपया मंच पर पधारें। साउंड प्लीज। आज मुख्य नारी शक्ति नवरात्र के दिनों में आयोजित हमारा यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए सुशोभित हो हमारे जनपद परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण को नित नए आयाम को हमारी बालिकाएं और महिलाएं छूती रहे इन्हीं कामना के साथ आज इस कार्यक्रम की प्रस्तुति
प्रस्तुति के रूप में कोमल है, कमजोर नहीं। आरडी डिग्री कॉलेज की छात्राओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति। और हाथरस महोत्सव में आज शाम 6 बजे युवा कलाकारों द्वारा ब्रज महाराज और गीतांजलि शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और नारी शक्ति स्वरूपा सुश्री यास्मीन सिंह भोपाल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। तो आप शाम 6 बजे ही जरूर बताइए। धन्यवाद। घर में, रसोई में छुरी से लेकर युद्ध स्थल पर रथ की धुरी का संभालने का कार्य महिलाओं ने बखूबी संभाला है। उन्हीं कार्यों को चरितार्थ करती हुई आरडी डिग्री कॉलेज की बेटियां, साथ ही जनपद हाथरस की हर बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाने में हमारे सहायक के रूप में कार्य कर रही है। जिला अध्यक्ष महोदय समस्त खिलाड़ी
के आत्मिक मोक्ष कार्यक्रम उनकी 5 दिवसीय हमारे सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जिला अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सदर विधायक भाजपा संगठन प्रदेश के मंत्री श्री लखेंद्रा सिंह माहौ जी, हमारे गुरु जी मानवेंद्र जी जो कि अलीगढ़ से हमारे विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हैं, हमारे सीडीओ साहब, पुलिस कप्तान साहब, नगर अध्यक्ष शरद जी, अनुराग जी सामने बैठे, हमारे विधायक सादाबाद से प्रदीप गुड्डू जी, हमारे एडीएम साहब, दोनों एडीएम ईएसपी साहब, एसडीएम साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने पहली बार हाथरस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि ये कार्यक्रम आज कितना भव्य हो रहा है, इसमें सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। निरंतर ऐसे कार्यक्रम जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, हर जिले का एक अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व के माध्यम से आज पता चलता है कि ऐसे महोत्सव समय समय पर होते रहते हैं। एक हमारे यहाँ दाऊ जी का मेला लगता है, ऐसे ही ये थीम जो कि नारी शक्ति पर हमारे सरकार द्वारा ये आज आयोजन हो रहा है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार देता हूँ। संचालन करने हमारे ममता जी, चतुर सिंह जी, सामने बैठे हमारे अतुल सतपाल सिंह जी, सभी मीडिया के बंधु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, आपके इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय विधायक सादाबाद सर को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया आए और आज हाथरस महोत्सव 2023 नारी शक्ति के विषय में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही निमंत्रण मिला और ये भी सूचना मिली कि बहुत आनंद आनंद में ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, जिन्होंने हाथरस महोत्सव को नारी थीम, नारी शक्ति का जो थीम देकर ये महोत्सव कराया है। वाकई में दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर विराजमान हमारे बड़े भाई एमएलसी साहब अमरिंदर जी, मेरी बड़ी बहन सदर विधायक अंजना माहौर जी, कप्तान साहब, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, सभी अधिकारीगण, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री गौरव आदव जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री केशव चौधरी जी, सभी पार्टियों से आए हुए सभी कार्यकर्तागण और खास तौर से बाहर से आए सभी जिले से यहाँ पर पधारे, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को सबको दिल से नमन करता हूँ और कहना चाहता हूँ, काम संसद कार्य करती है। यहाँ पर जिस तरीके से पहली बार हाथरस में हाथरस महोत्सव का आगाज करके और हमारे जिले के छोटा सा जिला है हमारा, जिस तरीके से आगाज इस हाथरस महोत्सव का किया है, उसके लिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और यहाँ के सभी जो विभागाध्यक्ष हैं, पर्यटन और संस्कृति विभाग के, उनको तहे दिल से नमन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर बाहर से कलाकार भी प्रस्तुति देंगे, जिससे हमारे जिले के लोग और हमारे जिले के बच्चे इससे सीखेंगे, लेकिन मैंने देखा कि हमारे हाथरस जिले के बच्चे और हमारे हाथरस जिले के भी बहुत सारे बच्चों ने जिस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन किया, वो भी काबिल तारीफ है। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ उनको, कि हमारे
जिले में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं कि वो प्रदेश स्तर पर नहीं राष्ट्र स्तर पर भी हमारे जिले का नाम रोशन कर सकती है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा यहाँ की जिलाधिकारी महोदय से कि इस तरीके के प्रोग्राम अगर तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी अगर करते रहें तो शायद हमारा छोटा जिला है, इस जिले के जो छोटे छोटे बच्चे जो आने वाली सरकार है, आने वाला भविष्य है, उनको भी इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बहुत सारी सीखने के लिए मिलेगा, जिससे हमारा हापरा जिले का नाम, जैसे हापरा जिले का नाम काफी चीजों में मशहूर है, यहाँ की हींग पूरे भारत के लिए हींग के नाम से प्रसिद्ध है, काका हापरसी के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा ऐतिहासिक शहर है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करके अगर यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हमारे जिले का नाम प्रदेश स्तर पर सबसे ऊपर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और अभी मैं छोटी सी घोषणा प्रस्तुत करते हुए माननीय विधान परिषद सदस्य श्री मानेंद्र प्रताप साहब को भी आमंत्रित करना चाहूंगा उद्बोधन के लिए। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान अरविंद श्रीमान आपको चंद सुबोधित हो। कई बार जोड़ा कार्यों से एमएचजी साहब का स्वागत करिए। जो उत्तर प्रदेश का पैसा था वह खर्च जरूर हो जाता,
कुछ लोगों को जो ठेकेदार होते थे उन ठेकेदारों को निश्चित रूप से लाभ हो रहा है, लेकिन पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कदम आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने अपनी एक छवि पूरे देश के अंदर बनाई है, उसी कड़ी में हम अनेकानेक प्रकार के कार्यक्रम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, अगर प्रदेश को आगे बढ़ना है तो वह प्रदेश आगे नहीं बढ़ता, प्रदेश के जिले आगे बढ़ते हैं, और जब जिले आगे बढ़ते हैं तब प्रदेश आगे बढ़ता है। प्रदेश कोई अलग से यूनिट नहीं होती, सब जिलों को मिलाकर एक यूनिट बनती है, तब वो यूनिट आगे बढ़ती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश को बांधने का काम किया, और जब पूरा उत्तर प्रदेश बंधा है, जब हम बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो हम बात करते हैं हाथरस की हींग की। हींग का जो व्यवसाय है हाथरस के अंदर, उसके कारण हाथरस की पहचान है, लोग भूल गए थे पहचान। जब हम बात करते हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ के तारों की बात करते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं, वो केवल अलीगढ़ में नहीं करते, वो पूरे भारत में करते, पूरे विश्व में करते। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, तो वहां के लकड़ी के सामान की चर्चा करते हैं, वह चर्चा के आधार पर सहारनपुर का काम कैसे बढ़ सकता है, वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है, वहां के कारीगर कैसे कौशल युक्त हो सकते हैं। अमरोहा की ढोलक हो हमारे हाथरस का हींग के साथ में बराबर में ही जलेसर है, जो पूरे एटा को पूरे देश में रिप्रेजेंट करता है, वहां की बांसुरी की घंटी, वहां के घंटे और वहां के जो घुंघरू है वो पूरे देश के अंदर आते हैं। औरैया का दूध का व्यवसाय होगा, आजमगढ़ का, बनारस का, बनारसी साड़ियों का व्यवसाय होगा, भदोही का, मिर्जापुर का कालीन होगा, बनारसी साड़ियां होगी, मथुरा का पेड़ा होगा और आगरा के जूते होंगे, लेदर का सामान होगा, कानपुर के पर्स होंगे, लेदर का सामान होगा, माने पूरे देश के, पूरे प्रदेश के एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वह योगी आदित्यनाथ जी उसके लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं कह सकता हूं ये जो छोटे छोटे हर जिले के अलग अलग महोत्सव हो रहे हैं, मैं अभी कई जिलों के मैनपुरी का महोत्सव हो रहा है, फिरोजाबाद महोत्सव हो रहा है, अलीगढ़ महोत्सव है, हाथरस महोत्सव है, हर जिले ने इसको पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने तय किया कि हमारी संस्कृति के अनुरूप इस महोत्सव को हम आगे कैसे बढ़ा सकते। अभी आपने इतनी सारी प्रस्तुतियां देखी होंगी, एक भी प्रस्तुति में हम यह नहीं कह सकते कि वह प्रस्तुति कहीं से भी वह निम्न थी, एक से उच्च स्तर की प्रस्तुति को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। मैं इसके लिए अलग से जिलाधिकारी महोदय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक एक कार्यक्रम का सिलेक्शन जो अभी चर्चा हो रही थी, स्वयं उन्होंने एक एक चीज को देखकर किया। कैसे संस्कृति को, चूंकि संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने इसको आगे बढ़ाया है, तो उसी प्रकार से एक एक राम के गीत हो, कबीर के गीत हो, होली का रंग हो, या हमारी जो सनातन परंपरा है योग की, उस योग का प्रदर्शन हो, और वह भी इस थीम के साथ, इस नारी सशक्तिकरण को जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, मैं पूरे हाथरस के जो इस पूरी आयोजन की टीम है उसको, आयोजन की टीम को बधाई देता हूं, और पुनः यह अपेक्षा भी करता हूं, हालांकि अभी आधी अधूरी तैयारियां दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से जिस दिन समापन होगा उस दिन समापन में जो भव्यता होगी और हाथरस के लोग इसको याद रखेंगे, हाँ हाथरस में हाथरस महोत्सव हुआ था जो दर्शनीय था, अभिनंदनीय था और वंदनीय था। ऐसे सभी कलाकारों को जिन्होंने शानदार प्रस्तुति की, मैं यहाँ की टीम को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और हाथरस की जनता को भी पुनः पुनः बधाई देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरे साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की। आवाज पूरी नहीं आई, ये योग वालों को तो और जोर से बोलना चाहिए, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अवसर पर।
सशक्तिकरण की साक्षात मूर्ति आत्मविश्वास की सिरमौर ऐसी है। सरल सहज स्वभाव की धनी माननीय विधायिका श्रीमती माहौर जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करें। आज मौसम गांधी शक्ति टीम में मैडम का हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम में उपस्थित हाथरस महोत्सव ऐसे भव्य जीवी कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान गौरव आर्य जी, विधान परिषद के सदस्य जिन्होंने 16 जिलों से मत हासिल किए, ऐसे उनको हम गुरु जी के नाम से भी पुकारते हैं, ऐसे आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी, सादाबाद के लोकप्रिय विधायक श्रीमान गुड्डू जी, हमारी सुयोग जिलाधिकारी और हमारे एसपी हाथरस, दोनों ने मिलकर इन सारे आयोजनों को दिव्यतापूर्वक और बहुत सरलता से अंजाम दिया है। ऐसे हमारे दोनों अधिकारी, हमारे डीएम, हमारे एसपी, हमारे सीडीओ और आदरणीय सरकार मकावत जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे अधिकारीगण, हमारे एडीएम, हमारे एसडीएम, हमारे डीआईओएस, और मैं समझती हूँ कि महिला शक्ति, नारी शक्ति जो थीम रखी है, मैं उस पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं आदरणीय नरसिंह साहब को कह रही हूँ कि हाथरस में तो जलवा महिलाओं का है, पूरे हाथरस जिले में चाहे विधायक हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीआईओ हो, चाहे हमारी संचालिका हो, कोई भी, हमारे यहाँ तो हाथरस जिले में पूरा वर्चस्व महिलाओं का है। आज के मौके पर माँ देवी के व्रत चल रहे हैं, मैं आप सबको जनों शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज के मौके पर जब माँ दुर्गा के व्रत चल रहे हैं, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। नव संवत्सर की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। नव संवत्सर अभी 22 तारीख को निकल कर गया, हम सारे लोग 1 जनवरी को नया साल मानते हैं। हमारा नव संवत्सर, हमारा नया साल ब्रह्मा जी ने सृष्टि की स्थापना की, पहला दिन सृष्टि का 22 तारीख जब नव संवत्सर हम मनाते हैं। विक्रमादित्य ने हिजरी संवत की शुरुआत नव संवत्सर पर की, और मैं समझती हूँ महाराज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और तमाम सारी चीजें और बसंत ऋतु का आगमन, ये पूरे माहौल को अच्छा करना, खुशनुमा करना, सर्दियां जा रही है और गर्मियां आ रही है, बसंत जैसा उत्सव प्रकृति करती है। ऐसे मौके पर यह हाथरस महोत्सव हमारे हाथरस में हो रहा है, हाथरस जनपद वासियों को मैं ढेरों शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ कि हमारे आदरणीय योगी जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस परंपरा की शुरुआत की है कि हर जिले में ये महोत्सव के रूप में मनाए जाएंगे, जिसमें सारे लोग, उस जिले जिले में रहने वाले तमाम लोग इन सारे महोत्सवों में शामिल होंगे। तमाम तरीके की योजनाओं का लाभ, तमाम तरीके की सरकार के उद्देश्यों का लाभ यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को मिलेगा। मैं अपने जिलाधिकारी और अपने पूरे अधिकारियों की टीम को एक बार फिर बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने मिलकर इतना भव्य और इतना दिव्य कार्यक्रम किया है। हम लोग इस कार्यक्रम में लगातार आते रहेंगे। मेरी अपील है मीडिया के बंधुवर्ग से कि वो इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हाथरस के लोग इस महोत्सव में शामिल होकर इसका आनंद उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। साथ ही मैं समस्त अतिथिगणों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया मेधावी छात्राओं को डमी चेक वितरण हेतु मंच पर बधाने का कष्ट करें। माननीय विधान परिषद सदस्य सर, माननीय विधायक सादाबाद सर, माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय परम आदरणीय जिलाधिकारी मैडम, परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, परम आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एडीएम सर, एडीएम जी सर, कृपया मंच पर बधाने का कष्ट करें।
रानी, खुशी मोनिया, नेहा सिंह, मुस्कान, फुटबॉल खिलाड़ी टीम डॉली ठक्कर, नवी ठक्कर, कविता काजल, राधा अंजलि। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत समस्त खिलाड़ियों को शील्ड वितरण माननीय अतिथिगणों के कदमों द्वारा किया जाएगा। बेटी बचाओ जिला प्रमोशन अधिकारी महोदय कृपया शील्ड वितरण में तो मंच पर बताने का कष्ट करें फुटबॉल टीम, साथ ही उनकी कोच, ये छोटी छोटी बच्चियां मंडल स्तर पर फुटबॉल के खेल में हाथरस का प्रतिनिधित्व करके आई है। वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।
माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ डॉक्टर पवित्र विद्यानंदन जी को प्रति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। योगा के बच्चे दौड़ के जैसे योगा में एनर्जी दिखाई थी दौड़ के मंच पर आए। बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी जरूरी है, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। तो इस प्रकार आज ये मंच नारी शक्ति से विभूषित हमारी परम आदरणीय जिलाधिकारी मैडम जो सब हर योजना अंतर्गत कुशल मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिनके मार्गदर्शन में महिला कल्याण विभाग और समस्त विभाग नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। साथ ही माननीय विधायक सदर मैडम नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा प्रदान करते हुए अब मैं हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध करती हूँ इस अवसर पर धन्यवाद समस्त। मैं सीईओ सर से अनुरोध करती हूँ ये मैं सदर विधायक से निवेदन करूंगा कि मैम वीरेंद्र पांडे जी सर आपसे पूरा निवेदन है वीरेन थैंक यू सर। गैस मैडम सीनियर सर को रेस्पेक्ट सर। ओके थैंक यू। एडियो सर को और रवि सदर विधायक मैम जिलाधिकारी मैम और सभी मान्य से निवेदन करूंगा कि हमारे वीरेंद्र जी जो लखनऊ से आए थे अपनी टीम के साथ आ रहे हैं और मैं उनको भी एक प्रतीक चिन्ह अपने कर्मों से देने की कृपा करें। पूरी टीम के साथ धीरे धीरे आ जाए प्लीज। जोरदार तालियां लखनऊ से आई कथक टीम के लिए जिसने लीड कर रहे थे धीरेन्द्र जी और बहुत
तो एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। और अभी एक छोटा सा कार्यक्रम और समय समय आज के आदर्श महोत्सव का इस शुभारंभ कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन उससे पहले बच्चों की प्रस्तुति, उससे पहले इन बच्चों की एक शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां पहले। जो भी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में आए थे, सभी के लिए यहाँ लंच की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी को लंच दिया जाएगा, कृपया आप लंच लेकर के ही जाएं सभी छात्र छात्राएं।
कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने